डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे टॉपिक एग्रीकल्चर, क्लास 8th में है, लेसन नंबर 6 है। इसमें पहुंच गए थे प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये टॉपिक आज हमें पढ़ना है, प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी हम अपने इस क्रॉप जो है, फसल जो है, कैसे हम अपना फसल अच्छे प्रकार से उगा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रैक्टिस हमें करने चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स अपनानी चाहिए, कौन कौन से अमल हमें करने चाहिए ताकि हमारा जो क्रॉप है जो अच्छे प्रकार से उग सके, जो हमें अच्छा फल दे सके। सो डिफरेंट काइंड्स इसमें इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी निकल आए। पहला जो पहली प्रैक्टिस जो है, हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट काइंड ऑफ सॉइल। राइट काइंड ऑफ सॉइल यानी सॉइल प्रॉपरली होनी चाहिए, प्रॉपर सॉइल, अच्छी सॉइल होनी चाहिए। अच्छी सॉइल मीन्स का क्या होता है, मीन्स ये जो सॉइल है ये फर्टाइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फर्टाइल, यानी सॉइल में फर्टिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सॉइल मस्त होनी चाहिए, ताकि उससे क्या हो सके, ये जो हम सोने जा रहे हैं, बोने जा रहे हैं सीड्स, उसकी ये जो प्रोडक्शन है उसमें जो रूट है वो निखर जाएगा, वो जो प्रोडक्शन है वो अच्छी आएगी। यानी राइट काइंड ऑफ सॉइल, सॉइल अच्छी होनी चाहिए। सॉइल किस तरह से हम अच्छी बना सकते हैं, क्या क्या एकदम इसके लिए करने चाहिए, कौन कौन से प्रैक्टिस इसमें आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज अ फील्ड नीड्स टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू यील्ड गुड क्रॉप्स। यानी जो हमारे पास ये सॉइल है, ये जो ये लैंड है, इसकी मैनेजमेंट अच्छे प्रकार से होनी चाहिए, एक अच्छी मैनेजमेंट इसके लिए करनी चाहिए ताकि जो हमारी यील्ड है, जो हमारी फसल है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा आ सके, वो ठीक आ सके। दूसरी बात, इट शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट इज अवेलेबल, सो दैट एयर इज अवेलेबल। यानी हमारा फील्ड होना चाहिए बिल्कुल ओपन, ओपन होना चाहिए, ये किसी साए दरख्त में नहीं होना चाहिए, इस पर ज़्यादातर ये साया नहीं होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए ताकि इसमें जो सनलाइट है वो पूरे अच्छी तरीके से आ सके, और जो एयर है, एयर फ्लो भी अच्छे प्रकार से आना जाना चाहिए। उस फील्ड में क्या होता है, उस फील्ड में ये जो ये जरखेजी है, ये जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जो है, उसमें ज़्यादा चांसेस है उसके उगने का, यानी फसल ज़्यादा अच्छी आएगी। इसी तरह एक और पॉइंट है इसमें, फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रेसपासर्स। यानी ये फील्ड हमें बचाना चाहिए किन से, ट्रेसपासर्स, ट्रेसपासर्स मीन्स राहगीरों से, चलते मुसाफिरों से, ठीक है, इवन कि ग्रेजिंग एनिमल्स से, ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स। तो इसमें जो ये हम ग्रेजिंग एनिमल्स एनिमल्स को छोड़ देते हैं ताकि वो ऐसे ही खा सकें ये फसल वसल, इनसे बचना चाहिए फील्ड। इसी तरह से वहाँ पर आम पब्लिक का जो ये रास्ता है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ये फील्ड दब सकता है, लिहाजा ये फील्ड बंद होना चाहिए, थोड़ा बंद, तारबंदी होनी चाहिए, या उसमें उस हिसाब होना चाहिए कि वहाँ पर ये ट्रेसपासिंग नहीं हो पाएगी। इसी तरह एक और पॉइंट यहाँ पर हमने नोट किया है, द राइट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल। इस फील्ड के लिए क्या होना चाहिए, पानी की जो मिकदार है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो ठीक होनी चाहिए, राइट काइंड ऑफ, ये जो ये अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल, ताकि इससे ये जो प्रोडक्शन है ये अच्छी आ सके। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, सॉइल शुड कंटेन मच न्यूट्रंट्स। इस सॉइल में होने चाहिए न्यूट्रंट्स, यानी सॉइल शुड कंटेन, इट शुड कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर सोडियम, पोटाशियम, दीज आयन्स, सो दिस न्यूट्रंट, सो इट शुड बी फर्टाइल, जो मैंने पहले भी बोला है, शुड बी फर्टाइल दिस सॉइल, ठीक है, सॉइल शुड बी फर्टाइल, सो दैट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर मोर बेटर। ओके, इसी तरह एक और पॉइंट है, अनवांटेड प्लांट शुड बी रिमूव्ड। जो इसमें अनवांटेड प्लांट है, यानी वीड जिनको हम बोलते हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं होता है, जो फसल हम उगाने जा रहे हैं उसके साथ कभी कभार अनवांटेड सीड्स जिनको हम वीड्स बोलते हैं उग जाते हैं, उनको रिमूव करना चाहिए, उनको वहाँ पर नहीं रखना चाहिए ताकि ये जो प्रोडक्शन है वो अच्छी आ सके। वीड जो है वो ग्रोथ ऑफ दिस यील्ड, जो हमारी यील्ड है
जो हमारा फसल है उसकी ग्रोथ को वो कम कर सकते हैं, लिहाजा ये हमें निकालने चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये जो ये जिस पर हम ये फसल अपना बो लेते हैं, जिस पर हमें ये उगाना चाहिए इस लैंड पे, इसको पहले हम क्या करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इट शुड बी रूटेड, इट शुड बी टर्नड ऑफ। ठीक है, इट शुड बी टर्नड ऑफ मीन्स इसको अच्छे मशीन से, चाहे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, पुराने जमाने में हम ये जो बैल होते थे उनका इस्तेमाल करते थे, ये जमीन टर्न ऑफ होती थी। आजकल ट्रैक्टर या मशीनरी इस आती है ताकि उनसे फील्ड जो है उसको हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उससे क्या हो सकता है, ये जो ये जमीन है, ये जो ये हमारी, डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि राइट काइंड ऑफ सॉइल होनी चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में पहला हमने पढ़ा राइट काइंड ऑफ सॉइल। अब दूसरी प्रैक्टिस जो आती है वो है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स, यानी ये जो हम बोने जा रहे हैं, जो हम सोने जा रहे हैं या उगाने जा रहे हैं, उसका सीड जो होना चाहिए वो होना राइट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसका माने क्या हुआ, यानी ये सीड जो है ये फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए, इसी तरह ये फ्री रेजिस्टेंट टू डिजीज होना चाहिए, यानी इसको बीमारी भी नहीं होनी चाहिए और बीमारी लगने से ये बच भी जाए, यानी उसमें उतनी क्षमता हो, उतना पोटेंशियल हो, उस प्रकार का सीड ये हो कि इसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि ये डिजीज को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, या इसको डिजीज लगने की चांस बहुत कम हो। तभी तो हम यूज करते हैं आज हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड प्लांट्स। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स आर दियर, टमेटो प्लांट्स आर दियर, पोटेटोज आर दियर, ओके, रेडिश और डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर दियर। सो दीज आर फ्रॉम दीज हाइब्रिड सीड्स, दे गिव वैरायटी ऑफ दीज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये सबसे ज्यादा क्या देता है हमें, प्रोडक्शन भी अच्छी खासी इनसे निकलती है और इनमें डिजीज लगने का चांस भी कम होता है और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी खासी निकलती है और इससे हमारा ट्रेड जो है इक्तिसादी हालत भी बढ़ जाती है, अच्छी आती है। इसी तरह एक और प्रैक्टिस में आता है सोविंग, यानी जब हमने सीड को कलेक्ट किया, सिलेक्ट किया कौन सा सीड हमें बोना है, फिर हम इसको क्या करते हैं, बो लेते हैं, इसको सो कर लेते हैं। ठीक है, यानी जमीन हमारे पास अब तैयार हो गई है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सीड को बो लेना है। ये सोविंग जो है ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं, टू मेथड्स आर दियर, वन इज बाय हैंड, बाय हैंड, हैंड से हम ये कर सकते हैं, बाय हाथ, हाथों से हम इसको ये बो सकते हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ब्रॉडकास्टिंग ये पुराना मेथड है और आज भी यूज होता है, यानी लोग करते आए हैं सदियों पुराने से और आज भी हम इसको यूज करते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो क्या है, बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, यानी मशीनरी मेथड है, जिस तरह क्योंकि कश्मीर में कम ही चलता है, अलबत्त बाहर पंजाब में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, बाहर कंट्रीज में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पर मशीनरी ज़्यादातर काम आती है। जो इनमें से ये जो बीज होता है, सीड होता है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सीड ड्रिल में है इसमें होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये बीज को हम रखते हैं और एक पुल्लो होता है, यानी जिसके जरिए से इसको फिर खींच लिया जाता है, आगे खींच लिया जाता है, पीछे पीछे से ये जो सीड होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, किसमें, इस जमीन में, इस फील्ड में, ताकि वो उग सके। यानी दोनों मेथड जो है, बाय हैंड ब्रॉडकास्टिंग मेथड, बाय हैंड इससे भी हम इस्तेमाल ये कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, या बाय यूज ऑफ मशीन्स। ठीक है, इवन कि आज जो हमारे पास भी अवेलेबल है मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन्स, तो इनसे भी हम ये कर सकते हैं, यानी ये सीड इसको हम सो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये सीड अच्छे प्रकार से जमीन में लग सके और इसकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी आ सके। ठीक है, ओके, तो तकरीबन आपको ये समझ में आया ही होगा, यानी हमने जो ये मेथड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, पहला जो ये प्रैक्टिसेस जो हम पढ़ रहे थे, पहली था सिलेक्शन ऑफ राइट सॉइल, दूसरा था इसी तरह सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ सीड।